अस्सलाम वालेकुम नादिन, मैं हूं इधर और आप देख रहे हैं डेली टॉक। नादिन, आज हम आए हैं दिल्ली गेट के अंदर, पुराना जो ओल्ड लाहौर है उसके अंदर, ये शाही इमाम है। हम यहां पर आए हैं, आपको विजिट करवाते हैं, वीडियो में दिखाते हैं। और इधर हमारे साथ हैं क्या नाम है जी, मोहम्मद आजम साहब, इधर हेड वो जो विजिटर हैं उनको ये गाइड करते हैं, इनके पास पूरी इंफॉर्मेशन है। तो ये बताएंगे इस बारे में कि शाही इमाम कैसे बना और क्या इसका सारा स्ट्रक्चर के बारे में, और इधर क्या सहूलतें थी, मुगलों ने किस क्या सोच के ये बनाया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद आजम, मैं महकमे टूरिज्म से मेरा तअल्लुक है। तो ये 1634 सेंचुरी थर्ड मुगल एम्परर शाहजहां के दौर में इसको बिल्ड किया था हकीम इल्मुद्दीन सारी ने। ये पब्लिक बात था, शाही मेहमानों के लिए और पब्लिक के लिए था, जो पब्लिक इसे अफोर्ड कर सकती थी। अच्छा, इस पे कोई बकायदा पे करना पड़ता था? हाँ जी, हाँ जी। जो अफोर्ड कर सकते थे उस वक्त के अमीर या कोई जागीरदार वो अफोर्ड करते थे, वो इधर आ से हर बंदा नहीं यहाँ पे आता। देखो, दिल्ली जो शहर है ये मुगलों का कैपिटल था। जब उनके शाही मेहमान दिल्ली से लाहौर की तरफ आते थे तो वो गर्दोगुबार से गुजर के आते थे। दिल्ली गेट मुगलों का इंटरसिटी रोड से इसलिए कि दूसरी शहर से रावी गुजरता था। वो अपने वीआईपी मेहमानों को यहाँ इंटर करते थे, यहाँ नहाने के बाद, ड्रेस चेंज करने के बाद, यानी कि फुल फ्रेश होने तो बाद फिर उनको किले में लेके जाती थी। ये उनकी शाही गुजरगाह थी और इसी शाही गुजरगाह पर सारे हिस्टोरिकल प्लेस थे। यहाँ वजीर खान शाही इमाम, यहाँ से 200 मीटर वजीर खान माउस के है, वहाँ से 100 मीटर गोल्डन माउस के है, वहाँ से 300 मीटर बेगम जमानी मरियम माउस के है। उसकी राइट हैंड पे आती है ध्यान सिंह की हवेली और लेफ्ट हैंड पे आती है मियाँ सली की हवेली, जो इलामा इकबाल के नवासे थे मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन सली। और इसे हमाम के अंदर 21 हमाम थे, 8 हमाम इसके ठंडे थे, 8 गर्म से, 5 3 बा थे। मुगलों के बाद सिखों ने से कुछ ऐसा हमाम के तौर पर इस्तेमाल किया, बाद में इसको तोड़ फोड़ के जो टप थे, टैंक थे, महाराजा रणजीत सिंह जब महाराजा रणजीत सिंह के पीरियड में, तो जो इसके थे चीज़ें उतार ली गई, इसको मलबे से बंद कर दिया, मलबा डाला वो गया था जहाँ कच्चे बर्तनों को भट्टियों में पकाया जाता था। जब 2013 के नॉर्वे ने अंबेसी इस्लामाबाद ने फंडिंग की, आगा फर्नीचर को ये प्रोजेक्ट मिला, फिर उन्होंने इसकी सर्वे की, फिर इसकी डिगिंग की, जो जब डिगिंग की गई चीज़ें यहाँ से मिली और अलमारियों में डिस्प्ले कर दिए गए, और उनका नाम है ये बच्चों के लिए एंजॉय के, जो मिट्टी के जिटवाइज होती है उसको कहती है कुगू कोड़े। तो ये पब्लिक आती थी, पब्लिक यहाँ नहाने के लिए आती थी। ये जो स्टीम बात थी, पहले सबसे पहले वो पेमेंट अदा करके वहाँ अपनी बारी का इंतजार करते थे। इस बारे में कोई इलम नहीं है कितनी पेमेंट अदा, पेमेंट का कोई इलम नहीं है उस दौर का। तो ये उस वक्त टर्कश बाथ और रोमन स्टाइल थे, इसके ये मसाज था, इसकी 4 स्टेप थे। सबसे पहले 4 स्टेप थे, सबसे पहले स्टीम से नीम गर्म पानी से गुसल देते थे, उसके बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करने के बाद फिर उनको ये चबूतरों पर लेके आते थे, यहाँ बंदों को मसाज करते थे। मसाज के बाद यहाँ एक हमाम है, वहाँ भेजते कि अपने जिस्म को पहले अच्छे तरीके से वाश करें। बाहर एक रूमी तर्ज का चौर तालाब था ठंडे पानी का, जो ब्रिटिश दौर में इसको डिमाल्च कर दिया गया था। वहाँ से फिर वो जब 2003 में इसकी डिगिंग की, वो बरामद हुआ है, तो उन्होंने कहा दोबारा इसको फिल कर दो, हमने यहाँ से इंटरेस्ट देनी है। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने कहा हमें इंटरेस्ट नहीं। ये वर्ल्ड हिस्टोरिकल प्लेस की भी इसको अवार्ड वगैरह मिला हुआ है यूनेस्को की तरफ से, यूनेस्को वालों ने भी दिया हुआ है अवार्ड, आपने पढ़ा होगा वहाँ डैश की तरह वो बना हुआ है, उस पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी ये महकमा सारे कदीमा के अंदर है, यहाँ पे टूरिस्ट जो लाहौर अथॉरिटी के पास है, हाँ वाल सिटी लाहौर अथॉरिटी के पास है, वो 15 जून 2015 से टिकट इशू हुई थी, अब वो मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, अब वही उनके उनके अंडर है और वो टिकट वगैरह है। बाकी लोकल जो भी स्कूल विजिट करना चाहें या लोग विजिट करना इजीली, कोई आते हैं ऑन पेमेंट है, ये सारा जो टिकट लेके जाती है लोग देखते हैं। जी, हमें गाइड कर रहे थे इधर के जो गाइड है, लोकल गाइड, उन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया कि ये किस तरह ये इसका स्ट्रक्चर बिल्ड किया गया और यहाँ पे क्या अभी सहूलतें थी। तो इसी के साथ हमें दे इजाज़त, हमारे डेली टॉक विद हैदर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें। बहुत शुक्रिया।